नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, घोसी से ये बड़ी और अहम जानकारी, दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां चुनाव प्रचार के दौरान स्याही फेंकने का काम किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान, और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए वो अदरी पहुंचे थे और इस दौरान दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का ये मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जो किस तरीके से उन पर स्याही फेंकी गई है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वो अदरी पहुंचे थे जहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और साथ ही जनता के बीच मतदान की अपील के लिए पहुंचे थे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से देश में आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश और प्रदेश से बढ़ रही है, और आज उनके सरपरस्ती में जो उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घोसी उपचुनाव में हर समाज को, हर धर्म मजहब के लोगों का व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है और भारी बहुमत से घोषित उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है, ये इस तरीके का जो कृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल के बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जीता करके इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी अपने घोसी विधानसभा में जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है, तो हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी पर स्याही फेंकने का काम कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जिस तरह अराजकता उनके चेहरे पर रहा है, वो अपने काली करतूत को छुपा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे प्रत्याशी ऊपर काली स्याही फेंक करके यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे पास जनता का समर्थन नहीं है, हमें जनता का विश्वास हासिल नहीं हो पा रहा है। और वो जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़ी हुई है, तब से उनको यह पता चल गया है कि अब घोसी की जनता या उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का काम है, माननीय मोदी जी का जो काम है, और उस काम के आधार पर विश्वास जनता का दारा सिंह चौहान जी के साथ है। इसलिए अब जनता का समर्थन बड़े पैमाने पर दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए वो अराजकता गुंडागर्दी का प्रमाण अपना उजागर करते रहे। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरीके से ये स्याही फेंकने का मामला सामने आया है, बेहद शर्मनाक, और क्या अभी तक जो लोग इसके पीछे हैं उनकी कोई पहचान हो पाई है, धरपकड़ हो पाई है? और देखिए, घोसी विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान अपना प्रचार कर रहे थे, क्योंकि 5 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। उसके पहले उन पर जो अराजक तत्व हैं उन पर स्याही, काली स्याही फेंकी है। उसके बाद एक हलचल सी मिली है, लेकिन वहां की पुलिस का कहना है कि इस जो आरोपी हैं इनकी तलाश की जा रही है, जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं अगर पॉलिटिकल ओर देखा जाए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि वो अराजक तत्व नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पास कुछ मुद्दा नहीं है, हताशा है और निराशा है। इसी वजह से घोसी विधानसभा में जो वर्तमान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान, उस पर स्याही फेंकी गई है। 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, अगर जनता का विरोध है या फिर तमाम वहां पर किसी वर्तमान में दारा सिंह चौहान प्रत्याशी से, समाजवादी पार्टी से विधायक से, इस वजह से मुझे लगता कि जो उनसे जो नाराज लोग हैं उन्होंने ये काम ऐसा किया है, लेकिन पुलिस हालांकि मानना है कि अभी जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कि आखिर क्या वजह है, किसके इशारे पर ये स्याही प्रत्याशी पर फेंकी गई है, कानून वहां के माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया है। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद जब पुलिस उन अपराधियों जो आरोपी है उनको पकड़ेगी, तो उसके बाद पूछताछ के द्वारा पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके से उपचुनाव में सरकार लगातार प्रयास करती कि माहौल न बिगड़ने पाए, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाए, प्रत्याशी जब चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जैसे उनका गनर भी साथ में था, हालांकि गनर काफी दौड़ाने की कोशिश की उन
लोगों को लेकिन पा नहीं सका। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के साथ साथ जो उस सीट पर जिस तरीके से जाति समीकरण बन रहे हैं वो ओबीसी के हक में बन रहे हैं, यही वजह है मुझे लगता कि इस तरीके से माहौल पैदा करना, लोगों को डराना या फिर स्याही जैसे प्रत्याशियों को थोकना, मुझे लगता है माहौल को खराब करना है। आने वाले समय में जब पुलिस आरोपी को पकड़ेगी तब खुलासा करेगी क्या वजह थी और किस वजह से दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई। बिल्कुल, और अनूप जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को देखते हुए सुभाषपा के जो प्रवक्ता है वो भी समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगाते नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए सपा जो है वो डर गई है और ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान सामने आया है? और देखिए सुभाषपा चूंकि एनडीए का घटक दल है, निश्चित रूप से वहां पर सुभाषपा के जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं। और दारा सिंह चौहान आप समझिए कि जब ओम प्रकाश राजभर एनडीए से गठबंधन किया था और उन्हीं के साथ ही दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, आप ये भी समझ सकते हैं कि आप दारा सिंह चौहान के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक थे, उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने विधायकी पद से, उनका विधायकी पद से इस्तीफा स्वीकार हुआ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब सुहेल देव समाज पार्टी के जो जो नेता हैं या फिर अरुण राजभर जो महाराष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, हो भी सकता है, लेकिन ये पुलिस जांच के बाद पता लगेगा कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे कौन थे, क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जी जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां घोसी उपचुनाव को लेकर की अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार के लिए अधरी गांव पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां साउथ के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत अपने फिल्म जेलर के जबरदस्त सक्सेस के बाद यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचने पर रजनीकांत ने सबसे पहले हनुमान गढ़ी मंदिर में माथा टेका और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों जहां अभिनेता रजनीकांत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो वहीं अयोध्या दौरे से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। नौ साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था, उस दिन से हमारा दोस्ती चल रहे साफ, उसमें फोन में भी बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए, उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया जहां उन्होंने सरकारी आवास पर सभी लोगों की एक एक कर सभी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। बीते 3 दशक से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ चुकी है। बीजेपी की राह पर कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक कमेटी का गठन करेगी। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जल्द ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम का ऐलान भी करेंगे। 3 महीने में 3 बड़े ऐलान हो सकते हैं। पहला ऐलान यह हो सकता है कि प्रदेश की नई टीम का ऐलान होगा। दूसरा ऐलान जो सामने आ रहा है वो ये हो सकता है कि 75 जिलों और 840 ब्लॉक में कमेटी बनेगी। तीसरा ऐलान ये हो सकता है कि यूपी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त होगी। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ललितपुर पहुंचे जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं गिनाई और कहा कि अब बुंदेलखंड अवैध तमंशों के नाम से नहीं जाना जाएगा। बावजूद इसके अब बुंदेलखंड को लोग ऑटोमेटिक राइफल के नाम से जानेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुन पाते हैं। आज 17 एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आज डिफेंस कॉरिडोर, अब तमंचा अवैध तमंचा पहचान नहीं बनेगा, अब ऑटोमेटिक राइफल। अब पाकिस्तान में अगर बम गिरेगा आतंकियों के खिलाफ वो बुंदेलखंड का धरती का बना हुआ होगा। ऑटोमेटिक राइफल जो कहर भर पाएंगी पाकिस्तान की सीमाओं में या चाइना के खिलाफ अगर जरूरत पड़ती है तो।
तो बुंदेलखंड का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके अंदर आयुध कारखाना जो खुलने जा रहा है उसके अंतर्गत होगा। आज बदरवाद बुंदेलखंड है, पहले गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा होता था, आज एक्सप्रेसवे वाला बुंदेलखंड बन रहा है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के हिंदू वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूं, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू है क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने कहा कि बहुत से लोग कन्वर्टेड भी हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर बसे हैं, जैसे कि हम जैसे लोग भी हैं जो हमेशा हिंदुस्तान के ऋणी हैं। हिंदुस्तान के लिए हम अपना बलिदान तक देने को तैयार हैं क्योंकि हिंदू संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जहां तक भगवा रंग की बात है तो वो प्रकाश का प्रतीक रंग है और हम सब उसका पूरा सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब, मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू है, तो इस बात को तो हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कोई बात और भी कही है, अब बहुत से लोग हैं जो कन्वर्टेड भी हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर बसे, जिसमें हम जैसे लोग हैं जो हमेशा बाहर से आए और हिंदुस्तान के ऋणी हैं कि हिंदुस्तान ने हमें सराहा और हिंदुस्तान ने सर आंखों पर रखा है, इसलिए हम हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान तक देना चाहते हैं। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही है क्योंकि हम पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं तो यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो हमको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। तो जो बात उन्होंने कही है मैं उन बातों से इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है। इसलिए अभी चूंकि हमारा समाज बहुत शिक्षित नहीं है, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ये खुद कहेगा मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदू इसलिए है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हमारा नीला पासपोर्ट सबका एक साथ होता है, उसमें कोई पासपोर्ट किसी का बदला नहीं जाता है कि ईसाई है इनका बदल दिया जाए, मुसलमान है इनका बदल दिया जाए, हिंदू है तो इनका दूसरा रहेगा, ऐसा नहीं है। और भगवा तो प्रकाश का प्रतीक कलर है, उसको तो सबको मानना चाहिए। और हम तो अपने महाराज जी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश देखिए आज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है कि भगवे में, क्योंकि भगवा प्रकाश का प्रतीक है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला मुख्यालय पर युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष आसिफ चौधरी पहुंचे। रालोद के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और इस दौरान आसिफ चौधरी ने युवाओं से संवाद कर 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान के नेतृत्व में लगातार युवा वर्ग रालोद से जुड़ रहा है और जल्द ही युवा की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। हम सब लोग राजनीतिक पार्टी बोल रहे हैं, आदरणीय चौधरी जयंती के निर्देश पर हम सब लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे युवा साथियों की बहुत बड़ी हिम्मत है। आज भाई आसिफ चौधरी जी हमारे बीच में आए और आप सब लोगों का स्वागत भी किया। संगठन को हमें मजबूत करना भी है, जमीन तक लेके जाना है, 24 का चुनाव हमारे सर पर है। अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की लापरवाही वाला कारनामा सामने आया है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद क्लासरूम में बच्चे को बंद कर शिक्षक घर वापस लौट गए। छात्र क्लासरूम में अंदर से चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहा था। चीख पुकार की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने ताला तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। So, आप क्लास में सो गए थे तो आपको किसी टीचर ने नहीं जगाया, तो टीचर आपको स्कूल में ही बंद करके चले गए, फिर आपको कैसे पता चला कि हम स्कूल में बंद है? मैं उठा सो के उठा तो किवाड़ खोली तो खुली नहीं। ये तकरीबन मामला स्कूल की छुट्टी होती है तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में, और उसके बाद में 2 से 2:30 के बीच में छुट्टी हुई और टीचर्स जो थे उनमें मतलब जो लेडीज थी उनकी छुट्टी थी ऊपर से ही, तो लेडीज जो टीचर थी अध्यापक कोई नहीं आई थी और जो जेंट्स अध्यापक थे वो लोग आए हुए थे जी। तो उन्हीं लोगों ने आज इसका चार्ज लिया स्कूल का आज जी। तो उसके बाद में फिर हुआ ये कि एक बच्चा बीमार था सुबह से
उसने टीचरों से ये भी बोला कि मैं बीमार हूँ, मुझे घर पे आने के लिए छुट्टी दे दीजिए आप जी। लेकिन अध्यापकों ने बिल्कुल भी उस बच्चे की सुनवाई नहीं की और वो बच्चा वहीं पर बेहोश हो गया अपनी बीमारी के कारण। फरुखाबाद में पांचाल घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के रौद्र रूप के चलते पांचाल घाट पुल के नीचे पुलिस का पहरा रहता है। ऐसे में कुछ नाबालिग बच्चे चंद पैसों के लिए नदी के पुल के ऊपर लगी जाली से छलांग लगाकर करतब दिखाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम बच्चे पुल की जाली के ऊपर से गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं और पुलिस की ये लापरवाही इन मासूम बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जर्जर मकान का गिरा छज्जा, आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पृथ्वीनाथ मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पृथ्वीनाथ मंदिर के पास की ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां घर का छज्जा गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए। जर्जर मकान का ये छज्जा गिरा है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है, तो वही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जर्जर मकान का छज्जा गिरा है। आपको बता दें कि इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं पृथ्वीनाथ मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जर्जर मकान का छज्जा गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पृथ्वीनाथ मंदिर के पास की एक घटना बताई जा रही है। जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, एक जर्जर मकान का छज्जा गिरा और फिर कई लोग इसमें घायल हुए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, थाना कागज प्रतिनिधि मंदिर के पास एक मकान का छज्जा गिर जाने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और घायलों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया है और वहां राहत कार्य पुलिस ने तुरंत चालू करके लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहाँ आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल ब्रिज, ये भी जानना चाहेंगे कि मकान का छज्जा गिरने के पीछे फिलहाल क्या कुछ वजह बताई जा रही है, और अगर मकान जर्जर स्थिति में था तो पहले ही उस मकान को क्यों नहीं खाली कराया गया? देखिए, मकान कई मकान आगरा में ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार भवनों को चिन्हित करना चाहिए, वो अधिकारी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। तमाम हादसे हो चुके हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें नहीं खुलती है, ना ही इन जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाता है, ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। जब हादसा हो जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, इलाज कराया जाता है, एडमिट कराया जाता है, लेकिन इन मकानों पर अभी तक आगरा में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल ब्रिज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जर्जर मकान का छज्जा गिरा है, तो वहीं इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी अपडेट सहारनपुर से। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी का स्वागत है, जो भी आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, बीजेपी और गठबंधन में सबका स्वागत है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सहारनपुर दौरे पर है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और इस दौरान उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी में सभी का स्वागत है। कोई नाराजी किसी विषय का नाराजी का कोई मतलब नहीं है, हमारा परिवार की बैठक है और बहुत बड़ा संगठन है और अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव, उनके अनुभव के आधार पर हम लोग अपने काम की गति को बढ़ाते हैं। तो और एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है हमारा, उस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियान और अपने काम को लेकर जनता के बीच में।
तो सर वहीं अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर के कटाक्ष किया है कि अब इतनी बड़ी पार्टी को किन किन लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विचार और अपने विचार से जुड़े लोगों को साथ लेकर चलने के लिए हम लोग संकल्पित। राजभर जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। सीएम योगी के आदेश पर पुलिस का एक्शन, वाहनों पर लिखे जाति सूचक शब्द पर देवरिया जनपद पुलिस ने की कार्रवाई। मैनपुरी के भोगांव में स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन कर डॉक्टर को देते हैं ऑनलाइन डिलीवरी, फर्जी अस्पताल का पर्दा। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर जारी, रास्ते से चल रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। बांदा में एसओजी की संयुक्त टीम ने एक स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 210 ग्राम स्मैक हुई बरामद, आरोपी लंबे समय से कर रहा था स्मैक बिक्री का कारोबार। फिरोजाबाद के ऊंचा नगर में चल रही प्लास्टिक की फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान, लोगों की मांग पर प्रशासन ने फैक्ट्री को किया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के पैर में लगी गोली, घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच हो चुकी है। आगरा में चंबल नदी के किनारे मृत अवस्था में पड़ा मिला विशाल मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छ का शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को दी मामले की सूचना। सहारनपुर में टपरी बस स्टैंड पर शराबियों के दो गुटों में हुई जमकर मारपीट, सूचना देने पर भी नहीं पहुंची पुलिस। उन्नाव में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान, पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस ने 3 चोरों के साथ चोरी की 21 बाइक को किया जब्त। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, सलावत खान निवासी रामू और उनके भाई की दबंगई ने हॉकी और लोहे की रॉड से की पिटाई, मारपीट में घायल हुए दोनों युवक। रायबरेली में मासूम बच्चे की मौत से मचा कोहराम, पैर फिसलने से पानी से भरे गड्ढे में गिरा मासूम, मौके पर हुई मौत। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही वाहन कटान गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। श्रावस्ती में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके से अर्धनिर्मित हथियार किए बरामद, जनपद में एसपी प्राची सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। फरुखाबाद में ब्रिटिश कॉल में बनी पुलिस चौकी पर दबंगों ने किया कब्जा, दबंग कब्जेदारों के खिलाफ कई बार दर्ज कराई जा चुकी शिकायत, डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने के दिए निर्देश। मिर्जापुर के राजूपुर गांव में अमरूद के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में तिंदवारी बांदा के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर पत्नी ने दर्ज की एफआईआर, पति पर लगाए ससुराल में मारपीट के आरोप, कार से कुचलने के भी पति पर लगाए आरोप। इटावा प्रभारी निरीक्षक को पत्रकार और समाज सेवी लोगों ने किया सम्मानित, सेवा अभिलेख एवं शौर्य के आधार पर हुआ निरीक्षक का सम्मान। आगरा में दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, बीच सड़क पर जमकर चले बेसबॉल के डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, थाना सदर के बिंदु कटरा क्षेत्र का है मामला। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।